पूजा कर ली? हाँ माँ, ये लो। हाँ ये लो प्रसाद, ये ले, चाय दिया सबको। अच्छा मालूम होता थक गए हो। तुम सब सैर कर आए ना, तुम्हें पीने को पानी मिलेगा और हमारे लिए कॉफी आ रही है। क्यों बोलू, ठीक है ना? अच्छा अच्छा दूध मंगवा देंगे, सबर से बैठ। हेलो, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग, आपके लिए गरम गरम कॉफी हाजिर है। थैंक यू थैंक यू। इधर आ जरा। तुझे कितनी बार कहा कि घर के काम काज में हाथ मैला मत किया कर, नौकर किस लिए होते हैं? ओ पापा, घर का काम कभी कभी मालिक भी अपने हाथ से कर ले तो कितनी सुंदर बात है ना। यही तुम सुनना चाहते थे। आपकी कॉफी ठंडी हो जाएगी और गुस्ल खाने में आपके लिए गरम गरम पानी भी रखा है। अच्छा जा, तू भाइयों के पास जा, हम स्नान कर लेंगे। अच्छा ए वकील बाबू, उठो, दिन चढ़ाया। वकील भैया, अरे उठो, आंखें खोलो। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आपकी चाय हाजिर है सरकार। तुम्हें तो मैंने जल्दी उठाने के लिए कहा था, इतना दिन चढ़ गया। कल रात तुम देर से सोए थे या नहीं? सो मैंने सोचा तुम्हें थोड़ी देर और सो लेने दूं, बस। अरे बहनी, जिस काम से मुझे जल्दी जाना था वो नींद से ज्यादा जरूरी था। इस हिसाब से तो कोर्ट में ही बिस्तरा लगा लो भैया,
वही सुबह की चाय और रात का खाना भी ले आया करूंगी। अब याद रहेगा? अब याद रहेगा ना? याद रहेगा। रहेगा? राकेश भैया। हाँ, आ गई आफत की परकाला। दरवाजा खोलो ना भैया। हाँ, तू नहीं सोने देगी बहनी। दरवाजा खोलो ना भैया, चाय ठंडी है। तू बिल्कुल नहीं जीने देगी। जो आराम से जीने दे वो बहन ही कहाँ हुई इंस्पेक्टर साहब। मेरी अम्मा कभी तो देर तक सोने दिया कर। देर तक सोने दिया कर? अगर पुलिस वाले ही इतनी देर तक सोने लगे तो अपने देश का क्या होगा भैया? अच्छा बहनी, जाग गया। बिल्कुल जाग गया। टाइम क्या हुआ? सिर्फ 7 बज चुके हैं। 7? अरे बाप रे। लो चाय ले लो जल्दी से। हर सुबह तू और तेरी चाय ला। चोरों और जेब कतरों की हजामत करते करते वही चिड़चिड़ा मूड घर तक ले आते हो। अच्छा बाबा, कह दिया ना, अब तू जा। बस यही कहना आता है, अब तू जा, तू जा। वही पुलिस की बीमारी, अटेंशन क्विक मार्च। जाती है कि नहीं? नहीं जाती। नहीं जाती? अच्छा, जाती हूँ जाती हूँ। लो कोट पहन लो। वादा करो आज दोपहर का खाना घर पर ही खाओगे। तुम्हारे बिना मेज कितनी सूनी लगती है। हाँ, आएंगे। ऐसे नहीं, वादा करो। अच्छा जान, चलो वादा किया। वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। तुम तो ऐसे हंस रही हो जैसे हम जानबूझकर वादा तोड़ते हैं। तुम घर बैठी हो ना, हमारी ड्यूटी कितनी कड़ी है तुम क्या जानो। तुम्हारे सारे फर्ज बाहर ही खत्म हो जाते हैं, घर लाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। इसमें तुम्हारा क्या कसूर? मैं ही पागल हूँ जो गिले करती हूँ। शुक्र है तुम्हें हमारी हालत पर रहम तो आया। जरा सोचो, अगर हम अपना फर्ज पूरा ना करते तो ये 3 प्यारे प्यारे बच्चे कहाँ से आते? साथ वाले कमरे में बच्चे बैठे हैं। तुम्हें देखते ही हम सब कुछ भूल जाते। अब ऑफिस भी जाएंगे या नहीं? यही तो मुश्किल है, हम भूलते हैं तुम याद दिला देते हो। अरे ये क्या सॉन्ग भरा? योर ऑनर, ये मुजरिम बालिग है। इस डिफेंडेंट के माँ बाप इसकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन बालिग होने के बावजूद ये शादी से इनकार करता है। और ये बेशरम एक खूबसूरत लड़की के साथ आवारागर्दी करता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसे उसी लड़की के साथ शादी करने की सजा सुनाई जाए। That's all, your honor. अरे अरे, well done, well done, well done, well done, well done. लेकिन अभी मुझे बहुत देर हो रही है, मेहरबानी करके आप मुझे मेरा गाउन वापस कीजिए। थैंक यू। वो देखो तुम्हारा बेटा आया। गुड। ओ आज तुम्हारी कोई स्पेशल ड्यूटी है ना? जी हाँ पापा। कालीचरण नाम का एक आदमी मेरे इलाके में बगैर लाइसेंस के हथियार बनाकर स्मगलरों को बेचता है। आज उसे गिरफ्तार करना है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। डैड, मैं अदालत जा रहा हूँ उसकी गिरफ्तारी से पहले उसकी जमानत की मंजूरी के लिए। देखना राकेश उसे कैसे गिरफ्तार कर सकता है। देखा राकेश, क्या कह रहा है ये तुम कालीचरण को जानते हो? नहीं, एक मिस्टर अलेक्जेंडर ने उसकी जमानत के लिए मुझे वकील मुकर्रर किया है। ये अलेक्जेंडर कौन है? यहाँ के स्टार होटल का मालिक है। होटल का मालिक विजय, मैं तो उस कालीचरण को हवालात में बंद करके ही लौटूंगा। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम्हारे वहां आने से पहले उसकी जमानत मंजूर हो चुकी होगी। विजय, तुम्हारा ये काला कोट जाहिर करता होशियारी और चालाकी, लेकिन यही चालाकी और होशियारी कभी कभी बेगुनाह को कातिल बनाकर फांसी तक पहुंचा देती है, और कभी कभी कातिल को मासूम जाहिर कर देती है। और ये रही हमारी वर्दी जो जाहिर करती है फर्ज और उसके जरिए कानून की सही पाबंदी। विजय, जो तुम राकेश को धमकी दे रहे हो ना, उसमें कुछ दम नहीं उस्ताद। तुम तो बस हमेशा छोटे बेटे का ही साथ देते हो। क्या कहा आपने बेगम,
हमारी महारानी, ये दोनों ही तो हमारे आसमान के सितारे हैं। हमारे लिए इन दोनों में भेदभाव कैसा? तो फिर इन दो सितारों में हम कहाँ हैं पापा? अरे ज्योति, तुम तो हम सभी की दुनिया का चांद हो भाई। वक्त जैसे तुम्हारा गुलाम है, क्या बज रहा है, कुछ ख्याल है? ओ घड़ी बंद, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। जी बेटे जी। अच्छा माँ, मैं भी चलता हूँ। अच्छा, अरे भैया अकेले कहाँ चल दिए, हम भी तो हैं। तो चलो हमारे साथ। बच्चे तो गए। अरे तुम तो बिल्कुल आईजीपी लगती हो। तुम्हारे ये हमेशा का मजाक कोई देख लेगा तो? अरे तुम्हारी इतनी सी तो स्पेशल ड्यूटी है, सिर्फ तुम देखती हो और हम देखते हैं। हद करते हो। अरे हमारे जैसे मर्द कितने हैं दुनिया में। अच्छा देर हो रही है, जाओ ना। अच्छा सलाम अलैकुम। बाय। सलाम साहब। जरा जल्दी चलो ड्राइवर। चलो उतरो। चाहिए जब तक इनकी शादी ना हो जाए। क्या? मैं तेरे से नहीं बोलती। अरे वाह, इतना बनती क्यों है, मुंह में ना और दिल में हाँ। हा? बाय। क्यों शोभा, बस हो गया ना? चलो चलो। आराम सारे बुड्ढे, दम नहीं तो काय को काम करता रे। भैया कालीचरण, लगातार भूखा रहने से मेरा जिस्म बेजान हो गया, हाथ से हथौड़ा संभलता ही नहीं। ले, जा खाना खा। क्या पापू? ए, तू भी लेके जा, चल। गुंडों का दादा कालीचरण है? हाँ मैं कालीचरण तो जरूर हूं, लेकिन ना गुंडा ना दादा। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। क्या कहा? खामोश बदतमीज, चल आगे बढ़। अरे तुम्हारे जैसे तो बहुत इंस्पेक्टर आए और गए बच्चे। अरे अभी तो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं निकले। हर कुत्ते का एक दिन आता है। और आज आपका, ले जाओ इसे। छोड़ दो इसे। Thank you.
That will do. Thank you. दुनिया में सिर्फ एक आदमी है जो मेरी ताकत के सामने अब तक नहीं झुका, लेकिन कब तक? कौन है वो? इंतजार करो, जल्दी उसका नाम भी मेरे शिकार की लिस्ट में आ जाएगा। हेलो, यस, होल्ड द लाइन। या व्हाट? क्या कालीचरण पकड़ा गया? ये वही आदमी है ना जो मेरे लिए नाजायज बंदूकें और जाली नोट छापने की मशीनें बनाता है? अरे वो तो खुद मेरा सबसे बड़ा हथियार है। डार्लिंग, तुम उस पुलिस इंस्पेक्टर का नाम तो बताओ। मामूली सी बात है, कल ही उसे जमानत पे छुड़ा लेंगे। या कट इट आउट। एक मोटा आदमी अपने मोटापे से तंग आकर मरना चाहता था। उसने पांचवी मंजिल से हुड़ी मारी। वो तो जिंदा रहेगा, लेकिन उसके नीचे दबकर चार आदमी मर गए। कल से रिकल सिनेमा में बापू की फिल्म दिखाई जाएगी। बापू 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 बापू। कौन सा बापू? कैसा बापू? बापू मेरा बापू। अरे मैं तेरा बापू नहीं हूँ, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। बापू चुप। बापू चुप चुप हो जा मेरे बाप, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं मालकिन, मैं तो सिर्फ इससे यही कह रहा था कि मैं इसका बापू नहीं हूँ। इधर आओ बच्चे। अच्छे बच्चे नहीं रोते। क्या नाम है आपका? मुन्ना। तो आप रो क्यों रहे हैं? मेरे बाप को पुलिस पकड़ कर ले गए, मुझे खाना नहीं मिला। आप यहाँ कैसे आए? लोगों ने बताया इस घर के मालिक मेरे बापू को छोड़ देंगे। बापू ही मेरे सब कुछ है, मैं उन्हें लेने आया हूँ। तुम्हारे बापू, क्या नाम है उनका बेटे? कालीचरण। कालीचरण? और तुम्हारी माँ? वो तो मर गई। मर गई? सुनैने से अंदर ले जाकर कुछ खिला पिला दो। नहीं नहीं, जब तक मेरा बापू नहीं आएगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा। बेचारा बच्चा अपने बाप के बिना कैसे तड़प रहा है, हो सके तो उसे छोड़ दो ना। अरे सरकारी बातों को तुम घरेलू मामला मत बना लिया करो। जाओ इसे अंदर ले जाओ। चलो साहब बुलाते हैं। कालीचरण, तेरी काली करतूतों की सजा तुझे वो मिलेगी जो तुझे याद रहे। जरा मैं तेरे साथियों को पकड़ लूं। मेरे लिए तो जिंदगी पहले ही मौत की सजा से बढ़कर है इंस्पेक्टर। इससे ज्यादा मुझे कोई क्या सजा देगा? तेरे जैसे बदकार इंसान को वो सजा दूंगा जो तुझे जिंदगी और मौत के बीच लटकाए रखेगी। फांसी से बढ़कर कोई सजा नहीं, लेकिन आखिरी वक्त फांसी का फंदा भी इस गले में पड़ने से इनकार करेगा। फांसी का फंदा? वो तो कातिलों के लिए है, लेकिन तू, तू तो कातिल पैदा करने की मशीन है। तू और तेरा गिरोह पैसों की खातिर नाजायज बंदूकें बनाता है जिनसे मासूम बेकसूर लोग मारे जाते हैं। तू वतन फरोश है, देशद्रोही है, तो जैसों को तो जी जी कर मरना चाहिए। काश तुम ये भी जानते कि उस गिरोह ने मुझ पर क्या क्या जुल्म किए। तो जैसे नीच की कोई बात मुझे नहीं सुननी, तुम चाहो भी तो सच नहीं बोल सकते। ले जाओ इसे। अंदर लेकर आओ। यस सर। यादव ले जाओ इसे। चलो हा? सुना है तुम्हें कालीचरण कहते हैं? हाँ जी। नहीं कह सकते? जी मैं कालीचरण हूं। अच्छे भले आदमी हो, लेकिन वैश्य दरिंदे लगते हो। अच्छा भला तो भूल चुका, बाकी जो हूं वही लगूंगा। हमें आज ही तुम्हारा पता चला। जरा बताओ
काम करने के तुम में कौन कौन से गुण हैं? मैं छोटे मोटे हथियार बनाता हूं जो एक दूसरे को मारने के काम आते हैं। बंदूकें, पिस्तौल हैं, चाकू। वैसे नकली नोट छापने के ठप्पे बनाना भी मेरा एक गुण है। अच्छे गुण हैं, लेकिन इनसे तुम्हें मिला क्या? यही बदन पर गिने चुने कपड़े, भुखमरी और आंखों में वैशीपन। इतने काम और उस कमाई से कई ज्यादा कर्ज जो हमेशा मेरे कंधों को तोड़ता रहेगा, और मैं यही जुर्म करता रहूंगा। जुर्म करता रहूंगा? जी हाँ, जुर्म। आप हुक्मरानों को कोई तो ऐसा चाहिए जिसे देखते ही आप वैशी दरिंदा कह सकें और जब चाहे हथकड़ी पहना सकें। हमारा काम सिर्फ हथकड़ी पहनाना ही नहीं, हथकड़ी उतारना भी है। काश के आपने सुना होता कि अभी भी उस पुलिस अफसर ने क्या कहा। लेकिन हम तो तुमसे सुनना चाहते हैं। एक पुलिस ऑफिसर और इतना रहमदिल? बरसों से इंतजार था कि किसी दिलवाले को मेरा पता चले और वो हमदर्दी से मेरी दास्तान सुन सके। दास्तान? हाँ, मेरी दास्तान। मैं अपने गांव का लोहार था। खेती बाड़ी के औजार, बैलों के नाल, बच्चों के लिए पिस्तौल, बंदूक के खिलौने बनाया करता था। अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। उसी खून पसीने के कमाए से गांव के एक यतीम बच्चे को अपना बेटा समझकर पढ़ाया, लिखाया, डॉक्टर बनाया। और फिर एक वक्त आया कि मेरी बीवी को कैंसर हो गया। मैं उसी डॉक्टर के पास गया, अपने बेटे के पास। उसने मुझसे इतनी बड़ी फीस मांगी कि मुझे कर्ज लेना पड़ा। कर्ज किससे लिया? अलेक्जेंडर नाम के एक आदमी से। वो मुझे कर्ज देता रहा और मैं कर्ज लेता रहा। फिर एक दिन उसने मुझसे एक कोरे कागज पर दस्तखत करवा लिए और जिंदगी भर के लिए खरीद लिया। लेकिन देर हो चुकी थी और मेरी बीवी मर गई। वो कर्ज उतारने के लिए मैंने जुर्म का पेशा अख्तियार किया। मरने मारने के असली हथियार बनाने लग गया ताकि खूब कमाओ और वो कर्ज उतार सको। लेकिन वो कर्ज वहीं का वहीं रहा। मेरी नेकी, मेरे एहसान का ये पहला और आखिरी फल था। मुझे जिंदगी से नफरत हो गई। नफरत? जिंदगी से नफरत हो गई? नहीं नहीं, नफरत से पहले और नफरत के बाद एक और जज्बा है जिसका नाम है मोहब्बत, प्यार। प्यार? मुझे किसी से प्यार नहीं, सब कुत्ते कुत्ते। अरे वो तो हमने कई पाल रखे हैं और वो हमसे, हमारे बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। जरा याद करो, कोई एक इन सबसे ज्यादा प्यार करता है और सिर्फ तुम से प्यार करता है। नहीं, इंसान, कुत्ते, नहीं, कोई भी नहीं। नहीं नहीं, एक है और सिर्फ एक है, और वो है तुम्हारा अपना मुन्ना। लेकिन तुम्हें तो ये भी मालूम नहीं कि वो इस वक्त होगा कहां। जरा गौर करो, तुम फिर से नेक आदमी बन सकते हो। कालीचरण, हम तुम्हें ऐसे जमान पर रिहा करना चाहते हैं जिस पर हमें पूरा यकीन हो। वो तो अलेक्जेंडर ही हो सकता है, और कौन? तुम्हारा अपना मुन्ना। मेरा मुन्ना? हाँ, उसके मासूम आंसू ही तुम्हारी जमानत हैं। उन आंसुओं को अपनी मोहब्बत के हाथों से पोंछो और उसे कोई दूसरा कालीचरण मत बनने दो। हमें बस तुम्हारी यही जबान चाहिए। बोलो, दे सकोगे? उस हमदर्दी खातिर जो हमारे दिल में तुम्हारे लिए पैदा हुई, उस बच्चे की खातिर जो बेगुनाह और मासूम है। हाँ साहब, अब मुझसे और नहीं रहा जाता। मैं आपके चरण छूकर जबान देता हूं। मुझे बताइए, मेरा मुन्ना कहाँ है? हमारे घर जाओ, मुन्ना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आप जाओ, जल्दी से जाओ। पिए जा कालीचरण के बेटे, पिए जा। मालकिन, मैंने सुना है कि इस बच्चे का बाप कालीचरण नामी गुंडा है, लेकिन मैं भी उसका बाप हूं। मैंने जरा कड़क आवाज से बुलाया नहीं
कि वो यूं थर थर कांपने लगेगा, थर थर कांपने लगेगा। क्या होगा? थोड़ा सा अच्छा शाबाश। बापू बापू तुम आ गए, बापू तुम छूट कर आ गए। मालकिन मेरे को ठंडी लग रही है, मैं जाता हूँ। मुन्ना माँ जी, ये मेरे बापू हैं। बैठो कालीचरण। मालकिन, मालकिन मैं आपके सामने कैसे बैठ जाऊं? मैं तो एक मैं सब सुन चुकी हूं तुम्हारे बारे में। ये बच्चा भूख से बिलख रहा था, लेकिन तुम्हारे बिना एक निवाला खाने को तैयार नहीं था। अगर तुम्हें जेल हो जाती तो इस मासूम का क्या होता? मेरे पति ने गिरफ्तार करने के बाद भी तुम्हें आजाद कर दिया, सिर्फ इस बच्चे की खातिर। अब तुम भी इस बच्चे की खातिर अपने को बदल डालो, इसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मालकिन, आपने इस अभागे बच्चे के लिए बहुत तकलीफ उठाई, इसे अपने हाथों से खिलाया पिलाया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आप मां अन्नपूर्णा हैं। मैं आपसे वादा करता हूं आज के बाद वैसा ही होगा जैसे आपने कहा। तो क्या तुम अलेक्जेंडर का साथ नहीं दोगे? कमिश्नर साहब, चाहे मेरी जान भी चली जाए, मैं अलेक्जेंडर का साथ नहीं दूंगा। जब भी हमारी जरूरत पड़े बेझिझक यहां चले आना। बहुत बहुत शुक्रिया कमिश्नर साहब, मैं तो अपराध के अंधे कुएं में गिर चुका था, आपने मुझे वहां से निकालकर रोशनी दिखाई है, मुझे और क्या चाहिए? मैं सोच रहा हूं आपका यह एहसान कैसे चुका सकूंगा। इस बच्चे की खातिर ईमानदारी की मेहनत से जियो, बस यही एक तरीका है। अगर तुम हमारा एहसान चुकाना चाहते हो तो। जी मालिक। मालकिन, मैं चलता हूं। जा। आ बैठे। अच्छा मालिक, कहां चली हमारी सुनाए? जरा मांग तो चूम ले हम आपकी। ओ चंपा ओ चमेली, सुन मेरी प्रेम पहेली, के तेरी एक सहेली से मैं प्यार करता हूँ। ओ चंपा ओ चमेली, सुन मेरी प्रेम पहेली, के तेरी एक सहेली से मैं प्यार करता हूँ। मैं प्यार करता हूँ, हाँ मैं प्यार करता हूँ। चंपा ओ चमेली, सुन मेरी प्रेम पहेली, के तेरी एक सहेली से मैं प्यार करता हूँ। मुझको सताया ना करे, रोज मेरे सपनों में आया ना करे। ए उससे कहते मुझको सताया ना करे, अरे रोज मेरे सपनों में आया ना करे। ओ सारी रात मुझको जगाया ना करे। ओ रजिया ओ सुल्ताना, सुन तू मेरा अफसाना, हो जाऊंगा दीवाना मैं इकरार करता हूँ, के तेरी एक सहेली से
मैं प्यार करता हूँ। पर्दा हटाया ही नहीं, ओ बातों बातों में ये याद आया ही नहीं, उसके रुख से पर्दा हटाया ही नहीं। अरे मैंने उसका नाम तो बताया ही नहीं, सुन उसका नाम है शोभा, वो दे गई मुझको धोखा, मिलने का मिले हम मौका इंतजार करता हूँ, के तेरी एक सहेली से मैं प्यार करता हूँ। ओ तुम चंपा चमेली सुन मेरी प्रेम पहेली, के तेरी एक सहेली से मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, हाँ मैं प्यार करता हूँ। ओ चंपा ओ चमेली मेरी प्रेम पहेली, के तेरी एक सहेली से मैं प्यार करता हूँ। गुड मॉर्निंग साहब। सलाम साहब। इंस्पेक्टर कहाँ है? वहाँ है साहब। गुड मॉर्निंग सर। आज पहली बार मेरे आदमी को गिरफ्तार करने की जरूरत किसने की है? आप हैं कौन? पुलिस हेडक्वार्टर्स में आकर आपने पुलिस से हिसाब मांगने की जरूरत कैसे की? आप कौन हैं? मुझे अलेक्जेंडर कहते हैं। मैं स्टार होटल का मालिक हूं। मैं कालीचरण की जमानत और फौरन रिहाई चाहता हूं। आप और कालीचरण, क्या रिश्ता है आप दोनों में? वो मेरा मुलाजिम है। तो हथियारों के कारखाने के मालिक आप ही हैं? आप बहक रहे हैं कमिश्नर साहब, ऐसे किसी कारखाने का मुझे इल्म नहीं। तो आप उसकी जमानत देने आए हैं इस डर से कि कहीं वो आपके राज फाश न कर दे? जो खुल जाए वो राज ही क्या। मेरी जिंदगी तो एक दिलचस्प किताब है, जो पढ़ना चाहे पढ़ ले। मिस्टर अलेक्जेंडर, आपकी खूबी से तो हम तब से वाकिफ हैं जब हम एएसपी थे, और आपकी जिंदगी किताब का पहला पन्ना हमने पढ़ा था। याद कीजिए, तब एक संतु नाम का स्मगलर समुंदर में छलांग मारकर हमारे हाथ से बच निकला था। मिस्टर अलेक्जेंडर, ये निशान तुम्हारे ही चाकू का दिया हुआ है, ना ये मिटेगा और ना ही तुम्हारी याद। तुम यहां चले आए, अच्छा किया। याद कुछ मध्यम पड़ गई थी, उसमें फिर से जान आ गई। लेकिन जो अलेक्जेंडर इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा है, वो जो सोचता है कर गुजरता है। समुंदर के किनारे जहाजों के इंतजार से लेकर स्टार होटल का मालिक, तुम कहां कहां से गुजरे हो ये भी हमें मालूम है। तो फिर कालीचरण को रिहा करने में इतनी देर क्यों? उसे तो हम रिहा कर चुके हैं। अकलमंद हो। शुक्रिया। तुम्हें अपने बारे में बहुत गलत फहमी है। तुम्हारा ये रोब या तुम्हारे पाप की कमाई का पैसा नहीं, उसके मासूम बच्चे के आंसू ही उसकी जमानत बने। मैं आपकी इस हरकत को पहली चुनौती समझूंगा, और हम आपके इस ऑफिस में की गई हमाकत को आखिरी। कमिश्नर साहब,
आपने इतिहास तो पढ़ा होगा। यूनान में एक अलेक्जेंडर पैदा हुआ था जिसने 3/4 दुनिया जीत ली थी। अब हिंदुस्तान में एक दूसरा अलेक्जेंडर पैदा हुआ है जिसने 3/4 आप जैसे लोगों को जीत लिया है। मिस्टर अलेक्जेंडर, आपने ये भी पढ़ा होगा कि हमारे जैसे बचे 1/4 लोग ही भारी पड़े थे उस पर और वापस होना पड़ा था उसे। ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ, वक्त का ही तो दूसरा नाम इतिहास है। और तुम्हारी किताब का आखिरी पन्ना भी हम ही लिखेंगे, इंतजार करो। बास्टर्ड। कैसे हो कालीचरण? लगता है अपना तुम्हें सुनाई देता है और ना दिखाई पड़ता है, वरना ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि अलेक्जेंडर पुकारे और कालीचरण जवाब ना दे। जवाब तो कभी भी दिया जा सकता है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने सवालों से रिश्ता ही तोड़ दिया है। हाँ, ये उड़ती हुई खबर हमारे कानों तक भी पहुंच चुकी है। तुमने अपने आंसुओं के औजार का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया, कमिश्नर के सामने हाथ पांव जोड़ लिए और जेल से आजाद हो गए, है ना कालीचरण? ये आजादी किसी जेल से नहीं बल्कि एक गुनाह भरी जिंदगी से है। वो औजार जो किसी बेगुनाह के हाथ पैर काटते हों, उन्हें बनाने से तो अच्छा है के किसी देवता के पांव धो धोकर पिए जाए। लानत है कालीचरण, लानत है। अपनी जबान संभाल कर बात करो अलेक्जेंडर। अब मैं वो कालीचरण नहीं रहा जो पहले था, क्योंकि अब मेरी जिंदगी की लिखावट बदल चुकी है। लेकिन तुम्हारी जिंदगी अपनी है कहां कालीचरण, वो तो कब से हमारे पास तुम्हारी अपनी लिखावट में गिरवी रखी हुई है। जिन हाथों ने दस्तखत किए थे वो हाथ कुछ और भी कर सकते हैं अलेक्जेंडर, ये मत भूलना। नमक हराम। तुम भी ये मत भूलना कि तुम सिर्फ बंदूकें बनाते हो और मैं बंदूकें चलाता हूं। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त माफ करना, थोड़ा सा गुस्सा आ गया। पुराने दोस्तों पर कभी कभी गुस्सा आ ही जाता है, और फिर दोस्ती भी एक रिश्ता है जो सिर्फ दोस्तों से ही निपटता है। देखो काली, मेरा तुम्हारा रिश्ता बिल्कुल वैसे ही चलना चाहिए जैसे पहले चलता था। ये लो रुपए। इन कागज के टुकड़ों में खरीदने की ताकत खत्म हो चुकी है अलेक्जेंडर, क्योंकि खुददारी ने बिकना बंद कर दिया। शाबाश कालीचरण, शाबाश। अब हमें तुम्हारी तारीफ करनी ही पड़ेगी। जब कभी कोई इंसान बदलता है तो हमें बेहद खुशी होती है, क्योंकि उसके साथ साथ हम खुद भी बदल जाते हैं। तुमने सिर्फ 10,000 के कागजात चलाए हैं, अब हम वो कागजात चलाएंगे जिन पर तुमने कभी दस्तखत किए थे। ये लो, जल गया। आज से तुम बिल्कुल आजाद हो, लेकिन एक बात याद रखना कालीचरण,
जब अलेक्जेंडर किसी को आजाद करता है तो वो दुनिया से आजाद हो जाता है। गुड लक। सॉरी शोभा, आने में देर हो गई। देर भी कैसी कि क्लास छूटे पूरे 60 मिनट यानी कि 1 घंटा हो चुका है और मैं तब से यहाँ खड़ी रास्ता देख रही हूँ। बार एसोसिएशन की मीटिंग थी, देर हो गई, क्या करता। ऐसे भी कब तुम फुर्सत से बैठकर मेरे साथ बात करते हो। फॉरगेट इट नाउ, थोड़ी देर के लिए तो मिले, वो भी तुम्हें मनाने में गुजर जाएंगे। हाँ देखो, कल एक केस के मुतालिक स्टार होटल में मीटिंग है, मैं वहीं रहूंगा, तुम वहीं चले आना, उसके बाद आराम से बैठकर बातें करेंगे। Come on, cheer up now. Okay. विजय का कौन सा कमरा है? सॉरी मिस, इस नाम से कोई कमरा बुक नहीं है। एक्सक्यूज मी, आपको किससे मिलना है? मुझे एडवोकेट विजय से मिलना है। उनका रूम नंबर? वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन यही मिलने को कहा था। अच्छा, आप उधर इंतजार कीजिए, मैं देखती हूँ। थैंक यू। ऊपर है, चले। Oh,
जुड़वा मेरा नाम है। पैसों की बात करो, कितने चाहिए? हम तुम्हारी फिल्म बनाकर बाहर के मुल्कों में ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए भेजेंगे, समझ लो इसी में तुम्हारा फायदा है। जहन्नुम में गए तुम और तुम्हारा ब्यूटी कॉन्टेस्ट। हाँ खूबसूरत है तू, सबकी जरूरत है तू, लेकिन तू बेजान है, ओ मिट्टी की मूरत है तू। तू बेकदर है, तू बेवफा है, दुनिया में तू बदनाम है। हेलो पुलिस स्टेशन, स्टार होटल में ब्लू फिल्में उतारी जा रही हैं। क्या स्टार होटल में? जी हाँ, यहाँ लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनकी नंगी तस्वीरें उतारी जाती हैं। सो इट बी बेटर फॉर यू कम इमीडिएटली। ठीक है, मैं अभी आया। तुम सबके होते हुए सिर्फ एक आदमी तुम सबको पीट कर निकल गया, कुत्तो, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने अच्छे अच्छे खाने डालता हूं। यस एंटर। आप ही इस होटल के मालिक हैं ना? जी हाँ। आपको कौन चाहिए? आपको नंगी और फास्ट फिल्में बनाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। व्हाट? ब्लू फिल्म्स? वो क्या होती है? आपके पास कोई सबूत है या सुनी सुनाई कह रहे हैं? सब जवाब हेडक्वार्टर्स पहुंचकर मिल जाएंगे। That's all right. Yeah. रीना, मेरे वकील को टेलीफोन कर दो, मेरी जमानत के लिए फॉरन हेडक्वार्टर्स पहुंच जाए। Shall we proceed, Inspector? Come this way. मैं मिस्टर अलेक्जेंडर का वकील हूं, उनको जमानत पर रिहा करवाने आया हूं। मुझे अफसोस है कि मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दे सकता, इसके लिए आपको कमिश्नर साहब से मिलना पड़ेगा। जमानत के लिए कमिश्नर साहब की इजाजत की क्या जरूरत है? जरूरत है वकील साहब, इसलिए कि अलेक्जेंडर कोई मामूली मुजरिम नहीं, उसने पैसे की खातिर बहुत घिनावने गुनाह किए हैं, इसलिए हम जमानत की इजाजत नहीं दे सकते। आप समाज के एक बाइज्जत इंसान पर तोहमत लगा रहे हैं। वकील साहब, आपने उसका असली चेहरा देखा नहीं जो हमने आज से बरसों पहले देखा, जब उसका नकली चेहरा हमने अपने हाथों से हटाया। किस कदर भयानक पिशाच है वो, जो अपने जहरीले दांत समाज के बदन में गाड़कर जहर भर रहा उसकी रगों में। उसकी जमानत नहीं हो सकती। इसका मतलब मुझे अदालत में ही जाना पड़ेगा। आपकी मर्जी। क्या बात है, कुछ परेशान से हो? कुछ भी तो नहीं पापा। तुम कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं रहे।
आपने अलेक्जेंडर की जमानत को ठुकराकर ठीक नहीं किया पापा। उसके पैसों का जाल बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, वो जिद में आकर कोई भी आफत खड़ी कर सकता है। वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है? उसके बदले की कोई शक्ल नहीं पापा। तो तुम क्या चाहते हो कि हम उससे डर जाएं, अपने फर्ज की जरूरत को पूरा न करें? नहीं नहीं, ऐसा ना कभी हुआ और ना होगा, और ना ही कभी हम ऐसा कर सकेंगे, समझे राकेश? पापा, इस दुश्मनी से नुकसान के सिवाय हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। अगर वो आदमी चाहे तो हम लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल कर दे। आपकी इज्जत न जाने क्या गुल खिलाए। राकेश, तुम घबराहट में कुछ बहक से रहे हो। मैं नहीं बहक रहा, बहक तो आप रहे हैं कमिश्नर साहब, जो सीधी सी बात भी नहीं समझ सकते। हमारा बेटा और इतना कायर। क्या हो रहा है इस घर में? कुछ नहीं हो रहा है राकेश। अगर तुम अपने ओहदे के फराइज की अदायगी और पाबंदी नहीं कर सकते, अगर तुम इस यूनिफॉर्म की इज्जत नहीं रख सकते, तो इसे उतार कर फेंक डालो। तुम्हें इसे पहनने का हक नहीं। हमने सोचा था कि जो हम ना कर पाए हो उसे तुम पूरा करोगे। जो कोई हमारा अधूरापन होगा तुमसे पूरा होगा। मैंने तो आपको जाती फर्ज और वक्त की नजाकत बताई थी। फर्ज और वक्त? फर्ज के मैदान में वक्त को हम जन्म देते आए हैं, वक्त नहीं। यहां तक कि कभी भूले से हमसे भी गलती सरजद हो जाए तो हमें भी हथकड़ी पहनाने से गुरेज न करना, यानी अपनी जिंदगी में फर्ज के सामने हर चीज, हर मरहले को झुकाए रखना, यही तुम्हारा नियम रहेगा और ये हमारा हुक्म भी है। मेरे घर को अखाड़ा क्यों बनाते हो? बेहतर है कि दफ्तर का काम वहीं निपटा लिया करो। हमारा ही बेटा हमी को एक अपराधी के सामने घुटने टेकने जैसी राय दे रहा था, हम पे काबू नहीं रहा। राकेश, जो कुछ भी हुआ हमें उसका बहुत अफसोस है। सिंह है? अरे सिंह साहब, शर्मा बोल रहा हूं। अरे आईजी साहब, यकीन मानिए हम आप ही की तरफ आ रहे थे। अपने राकेश के बारे में कुछ सोचा? भाई हमारा तो ख्याल है कि ज्योति बिटिया अगर इस घर की शोभा बन जाए तो बहुत ही अच्छा हो। अरे लीजिए, हम दो घरों में रिश्ता, हमारे लिए इससे ज्यादा बड़ी खुशी क्या हो सकती है? हम कल ही अपने दोनों बेटे से बात भी कर लेंगे। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। किससे बात कर रहे थे? अरे सुना है ना, आईजी साहब का फोन था, हमारी ज्योति का हाथ मांग रहे हैं। अच्छा, उनका लड़का कल दिल्ली से आ रहा है। ज्योति कहाँ है? वो तो मंदिर गई है। तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मुन्ना, इसलिए कल भी तुम मेरे साथ मंदिर आना। हाँ दीदी, मुझे मंदिर में आना बहुत अच्छा लगता है, मैं कल भी जरूर आऊंगा। हाँ अभी तुम मेरे साथ मेरे घर चलना, फिर वहाँ से कुछ खा पी कर अपने घर जाना। हाँ अभी मुझे स्कूल भी तो जाना है। तो क्या हुआ, अभी स्कूल जाने में बहुत देर है। अच्छा मोहम्मद जी साहब, इस लड़की को हमारे स्टेट बंगले पर ले चलो। अच्छा साहब। छोड़ दो मुझे पापा। चलो बेटे, ये क्या हुआ? दीदी को अलेक्जेंडर के आदमी उठाकर ले गए। अलेक्जेंडर के आदमी? जी मैंने सुना अलेक्जेंडर के स्टेट के बंगले पर। स्टेट के बंगले पर? नहीं। बाहर ठहरो। जी मुझे छोड़ दो ना प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज। नहीं मुझे जाने दो प्लीज, जाने दो। जाना है तुमको? हाँ मैं कभी किसी को नहीं देता,
तुम्हें देना चाहता हूं। तुम पुलिस कमिश्नर की बेटी हो ना, उनके बहुत एहसान है मुझ पर। आओ। सुने ना, देखो विजय और राकेश को इस बारे में कुछ ना कहना, वरना वो बदले की आग से जलकर कातिल बन जाएंगे मेरी जान। हम ज्योति के बाप हैं, हमारी बेटी की इज्जत लूटी है, और लूटने वाला बच नहीं सकता, कभी नहीं बच सकता। अलेक्जेंडर, तू कहीं भी हो, हम तुझे अपने हाथों से ढूंढ निकालेंगे। हे भगवान, अब क्या होगा, मैं क्या करूं, कुछ भी तो समझ में नहीं आता। मिस्टर अलेक्जेंडर, आपके बंगले में ये खून हुआ उस वक्त आप कहां थे? मैं अपने काम से बाहर गया हुआ था, वापस आते ही इस वारदात की खबर मुझे मिली, तब से मैं बेहद परेशान हूं। राकेश, सारे सबूत ये साबित करते हैं कि ये खून कमिश्नर साहब ने किया है, और चूंकि वो तुम्हारे पिताजी हैं, इसलिए मैं सोचता हूं कि इस केस की छानबीन करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। एसपी साहब, मैं समझता हूं कि इस खून की जड़ मोहम्मद की बहन यानी कि मेरे सेक्रेटरी खुर्शीद है। अब राकेश को बुरा तो लगेगा, मगर सच्चाई को छुपाया भी तो नहीं जा सकता। दरअसल बात यूं है एसपी साहब, कि कमिश्नर जोगिंदर सिंह और मेरे सेक्रेटरी खुर्शीद के दरमियान नाजायज ताल्लुकात हैं। मैंने उन्हें अपने होटल के कमरे में रंगे हाथों पकड़ा है, इसी दुश्मनी की वजह से मुझ जैसे शरीफ आदमी को उन्होंने गिरफ्तार भी करवाया। क्या आप उस लड़की को यहां बुलवा सकते हैं? जरूर, अभी बुला देता हूं। खुर्शीद, खुर्शीद जी, मिस्टर अलेक्जेंडर ने अभी जो बातें बताई वो तुमने सुनी? जी सुनी। क्या वो सच है? जी हाँ, मेरे भाई मोहम्मद को हम दोनों का ये मेल जोल बहुत खलता था। कमिश्नर साहब जानते थे कि आज मैं बंगले पर हूं, मेरे मना करने पर भी वो यहां चले आए। मेरा भाई भी यहां था, उन दोनों में तकरार हुई और उन्होंने गुस्से में मेरे भाई का खून कर दिया। इस लड़की का ये बयान नोट कर लो। मैं जानता हूं तुम यहां किस लिए आए हो। तुम्हें जान से मारने के लिए, हमारी बेटी की उम्र तुम्हारी छोटी बेटी से भी कम है, तुमने उसे तबाह किया। यह तो सिर्फ आगाज है कमिश्नर, तुमने मेरी एक बार हतक की थी, उसका बदला मैं एक बार नहीं हजार बार लूंगा। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे हमने तुम्हें पहली बार जाना है। तो फिर इसे आखिरी बार समझो। हेलो। यस, पुलिस स्टेशन। जिस खातिर की आपको तलाश थी वो फिलहाल मेरे बंगले पर है। लेकिन आप, मैं अलेक्जेंडर बोल रहा हूं।
फाइव स्टार होटल। यस अलग। आप अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए सर। फर्ज और वक्त, फर्ज के मैदान में वक्त को हम जन्म देते आए हैं। वक्त नहीं, यहां तक कि कभी भूले से हमसे भी गलती सरजद हो जाए तो हमें भी हथकड़ी पहनाने से गुरेज न करना। मैं कमिश्नर जोगिंदर सिंह का वकील हूं और उनसे मिलना चाहता हूं। जोगिंदर सिंह अब कमिश्नर नहीं, कातिल है। वो कमिश्नर हो या कातिल, अपने बेटों की निगाहों में तो वो बापी रहेंगे। जरूर, लेकिन घर में, पुलिस स्टेशन में सिर्फ ये वर्दी मां है और कानून बाप, और इनकी निगाहों में वो खूनी है। वो खूनी है या नहीं, इसका फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हारा काम है सिर्फ अपराधी को पकड़ना। वो सचमुच अपराधी है या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। यह मत भूलो कि तुम एक मामूली पुलिस अफसर हो, अदालत नहीं। तो फिर आप यहां क्यों आए हैं? अदालत में जाइएगा। अगर आप में जरा सी भी अकल होती तो आप समझ जाते कि मैं कमिश्नर जोगिंदर सिंह से बतौर उनके वकील की हैसियत से मिलने आया हूं। अगर आपको इजाजत देनी तो दीजिए,
वरना मैं उनके रिमांड के बाद मिल लूंगा। जस्ट अ मिनट, आप उनसे मिल सकते हैं। यहां क्यों आए? अगर राकेश आपको गिरफ्तार कर सकता है तो आपको रिहा करवाना मेरा फर्ज है। हम मुजरिम हैं और वो एक पुलिस अफसर, उसने अपना फर्ज अदा किया, अपनी वर्दी की इज्जत रखी। और मेरी वर्दी उसी मुजरिम को बेगुनाह साबित कर सकती है। हमारे लिए तुम दोनों एक ही जिगर के दो टुकड़े हो, तुम्हारा एक दूसरे तकरार वाजिब नहीं। आपस की तकरार से हमारा दिल टूट जाएगा, हम जी नहीं सकेंगे। और फिर उसने हमें बेवजह तो गिरफ्तार नहीं किया, उसके पास हर बात का सबूत है। पुलिस सबूत को सिर्फ एक नजर से देखती है और अदालत सबूत को उस नजर से देखती है जो एक होशियार वकील पेश करता है। सच्चाई के बहुत से रंग हैं, उनमें से कुछ झूठे भी होते हैं। जहां अदालत में सच्चाई की जीत होती है, वहां होशियारी और चालाकी का भी बोलबाला है। यही साबित करना मेरा फर्ज है। पापा, हमारा वजूद सिर्फ आपसे है, सिर्फ आपसे। ऐसा तो है विजय, अगर हम सब रहेंगे तो तुम्हारी मां को शांति मिलेगी, लेकिन आज से घर में तुमने हमारी जगह संभालनी है, हमारी जगह संभालनी है। जाओ जाओ, घर जाओ। तुमने अपने पापा को हथकड़ी इसलिए पहना दी ताकि तुम्हारे खोखले फर्ज और आदर्श का भरम बना रहे। नहीं माँ, इसने पापा को पकड़कर अपने डिपार्टमेंट में बहुत नाम कमाया है। इनकी वाह वाह होगी, तरक्की होगी, लेकिन ये भूल गए हैं कि जिस बाप की औलाद है उसी बाप का मैं भी बेटा हूं। उन्होंने कत्ल किया नहीं है, अगर किया भी हो तो मैं उन्हें जी जान से बचाऊंगा। राकेश, तू अपने पापा की सारी दौलत ले ले, मगर उनको छोड़ दे। माँ, क्या पापा ने कभी रिश्वत ली या लाकर आपको दी? वो और रिश्वत, उनकी ईमानदारी को सारी दुनिया की दौलत नहीं खरीद सकती। तो फिर उन्हीं के बेटे से आपने रिश्वत की बात कैसे की माँ? मैं तो उन्हीं के बताए रास्तों पर चल रहा हूँ। बस बस, ढोंग रचने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है तो पापा की पली चढ़ाएगा। पापा को नहीं, उस अपराधी को जिसने अलेक्जेंडर के ड्राइवर का खून किया। यह तुम्हारा आखिरी फैसला है, ऐसा ही समझो। अदालत पूरी तरह मुतमईन है कि जोगिंदर सिंह ने पूरे होशो हवास में मोहम्मद का कत्ल किया है। उनके मकतूल की बहन खुर्शीद के साथ नाजायज ताल्लुकात। कमिश्नर की हैसियत से कानून के मुहाफिज होने के बजाय उन्होंने खुद गैर कानूनी कार्रवाइयां की। इन इल्जाम के तहत उनकी जमानत नामंजूर की जाती है और उन्हें जेरे हिरासत रखने का हुक्म दिया जाता है। क्यों, क्या हुआ? जज ने पापा की जमानत रद्द कर दी। आज अदालत में उन पर वो इल्जाम थोपे गए जो करना तो दूर, उनके लिए सोचना भी नामुमकिन है। ठहरो। पापा होटल में लड़कियां सप्लाई करते थे, उन पर ये इल्जाम लगाते तुम्हारे पैरों तले जमीन क्यों फट गई? एक पुलिस कमिश्नर ने वासना में पागल होकर एक लड़की के भाई का कत्ल कर दिया, ये कितने फख्र की बात है मैं ही जानता हूं। बस राकेश, अपने पापा के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। माना कि इस खून की वजह एक लड़की है, मगर उनके दामन पर ऐसे धब्बे न लगा, मैं बोल पड़ी तो अनर्थ हो जाएगा। मां, कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। राकेश की झूठी घड़ी कहानी पर बिल्कुल विश्वास ना करें। मैंने कोई कहानी नहीं घड़ी। अदालत में लगाए हुए सब अपराधों के सबूत हासिल हैं।
अगर कोई और अफसर इस केस की जांच पड़ताल करता तो पापा निर्दोष छूट जाते। अफसोस तो यह है कि तुम लगे हो उस केस के पीछे। ये कैसी परीक्षा ले रहे हो इस घर की? जब अदालत में तुमसे सवाल पूछे जाएं, तो मेरी हर बात का एक एक शब्द याद रखना। विजय बाबू तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब कुछ समझ गया। मैं घर में ऑफिस में ये सारी बातें समझा नहीं सका, इसलिए मुझे आना पड़ा। कमिश्नर साहब के लिए गवाही देना तो क्या, मैं उनके लिए कत्ल का इल्जाम भी अपने सर पर ले सकता हूं। राकेश, हाँ हाँ बोलिए। कल अदालत में गवाहों के बयान शुरू होंगे और मुझे आज ही पूरा केस तैयार करना है। ठीक है, कल अदालत में ही मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। अब तक सोया नहीं मालकिन? जब इस घर की ही नींद उड़ गई तो मुझे कैसे नींद आएगी? एक बेटा अपने पिता को बचाने के लिए सारी रात जगा किताबें देख रहा है, तो दूसरा बेटा उन्हें मुजरिम साबित करने के लिए रातों से परेशान है। न जाने हमारी तकदीर कहां खो गई प्यार। Please proceed. Thank you, Your Honor. तुम्हारा नाम? कालीचरण। पेशा? लोहार कारीगर। तुम अपराधी को कब से जानते हो? मैं किसी अपराधी को नहीं जानता। हाँ, कमिश्नर साहब को जरूर चंद सालों से जानता हूं। अपराधी से तुम्हारी जान पहचान किन हालात में हुई थी? हा? एक बार मैं नाजायज हथियार बनाने के जुर्म में पकड़ा गया, लेकिन जब कमिश्नर साहब को मेरी असलियत मालूम हुई तो उन्होंने मुझे रिहा कर दिया। साहब, आज मैं जो कुछ भी हूं इन्हीं की वजह से हूं। कत्ल के दिन तुम कहां थे? मैं पूरा दिन कमिश्नर साहब के साथ था। झूठ, सरासर झूठ। जानो ना, कमिश्नर के ऑफिस से ऐसी कोई एंट्री नहीं मिली जिससे साबित हो सके कि अपराधी उस दिन ऑफिस से गैर हाजिर था। योर ऑनर, अगर कोई जरूरी काम आ पड़े तो दफ्तर से एक दिन बिना एंट्री गैर हाजिर रहना एक कमिश्नर के लिए आम बात है। हो सकता है इन्होंने इसी गवाह के साथ वो सारा दिन गुजारा हो। डिफेंडेंट के लिए जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी से कहीं ऊंचा दर्जा इंसानियत का रहा है। दूसरे, मैं आपको यह याद दिला दूं कि एक बार मिस्टर अलेक्जेंडर जो नंगी और ब्लू फिल्म बनाने के जुर्म में पकड़े गए थे, डिफेंडेंट ने जो उस वक्त पुलिस कमिश्नर के ओहदे पर थे उनकी जमानत नामंजूर कर दी। मिस्टर अलेक्जेंडर ने उन्हें बदला लेने की धमकी दी और वही इस केस का सबसे पहले नंबर का गवाह है। डिफेंडेंट को सजा दिलवाना उनकी जिंदगी का मकसद है। मेरी अदालत से दरखास्त है कि इन सब बातों का ख्याल रखते हुए
वो इस केस का फैसला करें, मुझे और कुछ नहीं कहना। कमिश्नर जोगिंदर सिंह को गिरफ्तार करने वाले आप ही थे? जी हाँ। आपका नाम? राकेश। सिर्फ राकेश या कुछ और भी है? राकेश कुमार सिंह। कितने बरसों से आप पुलिस के महकमे में काम करते हो? ट्रेनिंग का वक्त मिलाकर कुल 4 साल। मिस्टर राकेश, क्या तुम कबूल करते हो कि कमिश्नर एक बहुत ही काबिल पुलिस अफसर थे और उस हैसियत में अपना फर्ज बड़ी सख्ती से निभाते थे? जी हाँ, मैं मानता हूं। क्या तुम्ही ने मिस्टर अलेक्जेंडर को ब्लू फिल्म बनाने के जुर्म में गिरफ्तार किया था? जी नहीं। तुम्हारे इलाके में आता है, तुम क्यों नहीं गए? किसी और को क्यों भेजा गया? उस दिन मैं बुखार की वजह से छुट्टी पर था। नहीं, वो एक बहाना था। असलियत यह है कि तुमने जानबूझकर छुट्टी ली ताकि तुम मिस्टर अलेक्जेंडर को गिरफ्तार करने ना जाओ, और उसकी वजह थी एक बड़ी रकम जो तुम्हें रिश्वत में उनसे मिली। मेरी अर्जी की तारीख मिस्टर अलेक्जेंडर की गिरफ्तारी से एक दिन पहले की है। मैं कोई जोची या जादूगर नहीं कि पहले से ही छुट्टी ले लेता, और रिश्वत लेना मेरा ईमान नहीं वकील साहब। कमिश्नर की घड़ी का मकतूल के पास पाया जाना ही तुम्हारे पास सबसे बड़ा सबूत है? जी हाँ, वो घड़ी अपराधी की है। यह बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? वो घड़ी मैंने उन्हें तोहफे में दी थी। योराना, इंस्पेक्टर ने पहले से सोचे समझे प्लान के मुताबिक एक घड़ी कमिश्नर को तोहफे में दी, और वैसे ही घड़ी का मकतूल के पास पाया जाना इस बात का सबूत है कि वो घड़ी जानबूझकर मार रखी गई थी। कमिश्नर जोगिंदर सिंह एक बहुत ही घिनौनी साजिश के शिकार बना लिए गए हैं, घर में या बाहर। इससे पहले इनकी तमाम जिंदगी पर कभी बुराई का साया तक नहीं पड़ा था। मुझे उम्मीद है इन सब बातों को नजर रखते हुए अदालत इनके साथ जरूर इंसाफ करेगी। मुझे इतना ही कहना है। अगर मुजरिम अदालत से कुछ कहना चाहता हो तो उसे इजाजत है। योर ऑनर, मैं अपराधी से कुछ सवाल पूछ सकता हूं? यस, यू मे प्रोसीड। थैंक यू। जोगिंदर सिंह, तुम मोहम्मद के कत्ल को कबूल करते हो? जी। कत्ल की वजह? वो हमारे हाथों धोखे से मारा गया। क्या मतलब? हम अलेक्जेंडर को मारना चाहते थे। ओ, तो तुम्हारी नियत अलेक्जेंडर को कत्ल करने की थी? हाँ, हम दोबारा भी वहां इसी ख्याल से गए थे, लेकिन हमें अफसोस है कि हम पकड़े गए और अलेक्जेंडर हमारे हाथ से फिर बच निकला। तुम्हारी मिस्टर अलेक्जेंडर से दुश्मनी की वजह? ये बताना जरूरी नहीं। तो मैं बताता हूं योर ऑनर, मिस्टर अलेक्जेंडर ने इन्हें अपने होटल में मोहम्मद की बहन के साथ 2-3 बार शर्मनाक हालत में पकड़ा था, इसलिए उनके खून के प्यासे हो गए थे, और मोहम्मद के बाद ये अलेक्जेंडर को भी खत्म कर देना चाहते थे। ये सरासर झूठ है कि मोहम्मद धोखे में मारा गया, उसको उसकी बहन की वजह से जानबूझकर कत्ल कर दिया गया। दैट्स ऑल योर ऑनर। ये कहां तक सच है कि अलेक्जेंडर ने आपको अपने होटल के कमरे में मोहम्मद की बहन के साथ नाजायज हालत में देखा? ये एक बुजदिलाना झूठ है। हमने ना ही कभी उसके होटल को देखा था और ना ही कभी किसी मोहम्मद की बहन को। फिर आप अलेक्जेंडर को क्यों कत्ल करना चाहते थे? ये हम नहीं बताएंगे, यही बात हम पहले भी कह चुके हैं। आपको बताना पड़ेगा। ऐसा कोई कानून नहीं जो हमें वो बताने पर मजबूर कर सके जो हम नहीं बताना चाहते। आपकी बीवी, आपका बेटा? नहीं, वो भी नहीं। वो कौन सा राज है जिसे छुपाने के लिए आप अपने आप को? हम ये भी नहीं बताना चाहते। हम कत्ल कबूल कर चुके हैं, अदालत का वक्त जाया न किया जाए। अदालत का फैसला सोमवार तक मुलतवी किया जाता है। मां, ऐसा लगता है जैसे आज अदालत में मुकदमे का नहीं, हमारी किस्मत का फैसला होने वाला है। हमारे घर से खुशियां तो जैसे विदा ही हो गई। आप भरोसा रखिए, सब पहले जैसे हो जाएगा। भगवान करे तेरा कहना सच हो। मां,
राकेश, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। हे भगवान, मेरे परिवार को बचा लो, मेरे परिवार को बचा लो भगवान। अपराधी जोगिंदर सिंह पुलिस कमिश्नर होने के नाते कानून के मुहाफिज और उससे पूरी तरह वाकिफ थे। मुकदमे की पूरी कार्रवाई सुनने के बाद अदालत का फैसला है कि उन्होंने कानून की हिफाजत करने की बजाय एक पेशेवर मुजरिम की तरह पूरे होशो हवास में मकतूल मोहम्मद का कत्ल किया। अदालत उन्हें ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत सजाए मौत देती है। टू बी हैंग्ड अंटिल डेथ। ऐसे क्यों देख रही हो मां? क्या बात है मां जी? मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा। विजय, विजय, क्या उनको बचाने का और कोई रास्ता नहीं है? मां, आपकी हालत पहले ठीक नहीं है और ऐसी बातें सोच सोच कर और खराब हो जाएगी। आप आराम से सो जाइए प्लीज। सो जाइए मां जी। शोभा, तुम मां के पास बैठो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूं। अरे
तुम्हारी आंखों में आंसू, तुमने तो फर्ज की बुलंदियों को छुआ है। हमें तो नाज है तुम पर, फर्ज की सदायगी नहीं तो आज तुम्हें हमारा बेटा साबित किया है। आप नहीं जानते पापा, सब मुझसे नफरत करते हैं, और तो और माँ और भैया भी, वो समझते हैं कि मैंने ही आपको इस दशा तक पहुंचाया है। गलत, एकदम गलत। हमने जुर्म किया और उसकी सजा लाजमी है। जानते हो अगर तुम ऐसा ना करते तो हमारी नजरों से गिर जाते। सभी लोग तो ऐसा नहीं सोचते। सबको भूल जाओ, याद रखो तुमने जो कुछ भी किया अच्छा किया। हमेशा अपने फर्ज और अपनी ड्यूटी की आवाज को सुनना, तुमको अपने बाप से बहुत आगे जाना है। आपकी हर बात मेरे दिल पे खुदी है पापा। जीते रहो, हमारे मरने के साथ ही हमारी यादों की दुनिया भी खत्म हो जाएगी, लेकिन हमें दुनिया तुम में देखेगी। हम जिंदा रहेंगे, तुम में जिंदा रहेंगे। मालूम है सच्चाई तुम्हारा रास्ता होगा। जी पापा। विजय, विजय तुम्हारा बड़ा भाई है, हमारे बाद हमारी जगह वो लेगा। उसे भी कुछ जरूरी बातें समझाना है, उसे हमारे पास भेज देना। अच्छा पापा। ज्योति, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? अब क्या होगा माँ, अब क्या होगा? हे भगवान, ये क्या हुआ? मैं क्या करूँ? हम तुम्हारा रास्ता देख रहे थे। अदालत में तुमने जान लगाकर वो सब कोशिश और मेहनत की जो एक होनहार से होनहार और काबिल से काबिल बेटा अपने बाप को बचाने के लिए कर सकता था। हमें तुम पर अभिमान है। अफसोस, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल सकी पापा। अफसोस? अफसोस किस बात का विजय? तुमने जिस खूबी से वकालत की, हमारी पैरवी की, वही तुम्हारी सफलता है। तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि इंसानी अक्ल चाहे आसमान को अपने सर से छू ले, लेकिन सच्चाई की चौखट पर उसे अपना सर झुका देना पड़ता है। विजय, सच्चाई की एक अपनी अटल मर्यादा है। फिर भी मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। नहीं नहीं विजय, हमने तुम्हें सिर्फ ये याद दिलाने के लिए बुलाया था कि जिस उस ज्योति के संबंध का जिक्र हुआ था, उसी रोज हमें हिरासत में ले लिया गया। अब घर में तुम ही बड़े हो। जी पापा। तुम्हारी मां एक विशाल स्त्री है विजय, लेकिन हमारा दिया हुआ गम बर्दाश्त करना शायद उनके लिए बहुत कठिन हो जाए। अब उनका बोझ हल्का करने के लिए तुम्हें भी हिम्मत और दिलेरी से काम लेना होगा। अब आप और चिंता मत कीजिए पापा, मेरे तमाम फर्ज मेरी नजर के सामने। जीते रहो। अब ज्योति की शादी की तारीख फौरन पक्की करो और फिर हमें मिलने आओ। मां बोलती क्यों नहीं? पापा ने ज्योति की शादी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, सो हमें जल्दी करनी चाहिए। आप लोग खामोश क्यों हैं? क्या मैं ठीक नहीं कह रहा? आखिर पापा का कहा तो मुझे ही करना है। हाँ बेटे, मैं जानती हूं। विजय भैया। हाँ ज्योति, कल आईजीपी का लड़का शादी के बारे में तुम्हें देखने आएगा। मां, मुझे कुछ कागजात देखने और अपील की दरख्वास्त दायर करनी है, मैं कोर्ट जाकर आता हूं। भैया, मैं पापा से मिलना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार। हाँ क्यों नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात, तुम जाए मिल लेना। माँ, माँ।
ये सब कुछ जानते हुए भी पापा आप कैसे कह रहे कि मेरी भी मेरी शादी हो जानी चाहिए। हर बाप यही कहेगा बेटी, लड़की घर का चिराग होती है। लेकिन लेकिन पापा, इस चिराग के सीने से तो रोशनी नहीं पापा, रोशनी नहीं, सिर्फ धुएं का गुबार निकल रहा है पापा। लेकिन लेकिन इस चिराग को तो आंधी ने बुझाया है, वो खुद तो नहीं बुझा। लेकिन वो बुझ भी गया और तबाह भी हो गया। नहीं नहीं नहीं, तुमने तुमने अपने हाथों से तो अपने आप को तबाह नहीं किया। तुम बेदाग हो बेटी, तुम उस आदमी को भूल जाओ और बेखौफ खतर शादी के लिए हाँ कह दो। हाँ कैसे कह दूं पापा? तुम्हें हाँ कहना होगा, तुम हमारी बच्ची हो, ये हमारी आखिरी ख्वाहिश है। अगर तुमने इनकार किया तो जरा सोचो हमारा कितना बड़ा अपमान होगा, इस घर की मान मर्यादा का अपमान होगा। तुम्हारी माँ तुम्हारे भाई दुनिया के आगे सर उठाकर चल नहीं सकेंगे। अच्छा पापा, मैं वचन देती हूँ, मैं वचन देती हूँ। इस घर की मान मर्यादा को मैं हर कीमत पर जिंदा रखूंगी पापा। पापा मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा, मुझे शक्ति दीजिए पापा, मुझे शक्ति दीजिए। भगवान तुम्हें शक्ति दे। ज्योति, 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 मरने वाली तेरे गम में उम्र भर रोएंगे हम, रोने से ये गम मगर रोएंगे हम। बाबुल के घर से डोली में, बाबुल के घर से डोली में जाती है कुंवारियां, मेरी लाडली बेटी की आरती की है तैयारियां। बाबुल के घर से डोली में जाती है कुंवारियां, मेरी लाडली बेटी की आरती की है तैयारियां। गई
मालूम है बेटे, तेरी और अपनी आत्मा की शांति के लिए हमें ये खून करना पड़ेगा, ये खून करना पड़ेगा। दो बार चूक गए, अब की नहीं चूकेंगे, अब की नहीं चूकेंगे, ये हमारा वादा रहा। राकेश, तुम्हारी माँ इस गम से बेहाल होगी, हम चाहते हैं घड़ी भर देखने की उसे हमें इजाजत दी जाए। देशमुख साहब, आपने सुना? मेरी मां की हालत बहुत खराब है, अगर वो पापा को एक नजर देख लें तो शायद उन्हें कुछ धारस आ जाए। इन हालात को देखते हुए ठीक है, मैं इजाजत देता हूं, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी पर। जी जी, मेरी जिम्मेदारी पर। माँ अपने कमरे में ऊपर हैं, तुम लोग इनके साथ जाओ।
सुनैना सुनैना सुनैना, आंखें खोलो खोलो आंखें, देखो ये तुम हो ना? हाँ सुनैना, ये हम ही हैं सुनैना। हमारी चोटी, हमारी बच्ची, हमारी बच्ची। खराब, चलो उनको अंदर से लेकर आए। चलो मिस्टर राकेश, बहुत देर हो गई। हाँ चलो ऊपर चले। पापा कहाँ हैं? चले गए। चले गए कहाँ, कैसे? उस दरवाजे से। ओह नो। कौन? कमिश्नर साहब, आप? इसे काट दो, जल्दी से काट दो, पुलिस हमारा पीछा कर रही है। मेरे ख्याल से पुलिस आ गई है। कमिश्नर कहाँ है? कमिश्नर? कौन कमिश्नर? तुम लोग अंदर की तलाशी लो और तुम लोग बाहर देखो। यहाँ कोई आया था? नहीं तो, यहाँ कोई नहीं आया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुन्ना सच कह रहा है, यहाँ कोई आया, कोई नहीं आया। सर, इधर कोई नहीं है। सर, अंदर भी कोई नहीं। चलो। नमस्ते। एक कैदी जिसे मौत की सजा सुनाई गई हो, वो तुम लोगों के होते हुए भाग जाए, कितने शर्म की बात है। कमिश्नर को बचाने के लिए ये राकेश की चाल थी सर, इसने हमें जानबूझकर धोखा दिया है। सच ये है, ना ये मेरी चाल थी ना धोखा। सच ये भी है कि भागने वाला कैदी मेरे पिता हैं। मैं एक मामूली सब इंस्पेक्टर हूँ और भागने वाला कैदी कमिश्नर था। मुझे उनकी इज्जत बनाए रखने के लिए उन्हें ढूंढने और गिरफ्तार करने की इजाजत बख्शी जाए। तुम एक मौका और चाहते हो? जब मैं पहली बार उन्हें गिरफ्तार करने से नहीं चूका, तो अब तो ये मेरा धर्म बन जाता है सर। शायद मुझे तुम्हारी कामयाबी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। शुक्रिया। तुम लोग जा सकते हो। मालकिन को जब जब होश आया, वो सिर्फ आप ही का नाम ले रही थी। हाँ काली, हाँ। मैंने वकील बाबू को समझा दिया है कि आज आप मालकिन को मिलने जाएंगे, सब लोग आप ही का इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ काली, हमें जाना ही होगा। हम सुनैना को देखे बगैर हम जी नहीं सकेंगे काली।
छोटे मालिक। अच्छा बिहारी, हाँ आज पापा मां को देखने आने वाले हैं। हाँ हमें सोना नहीं चाहिए। ठीक है जी। और सुन, हाँ राकेश कहाँ है? वो तो बाहर है, उसे पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा जी, चल जा। वो आ रहे हैं। बिहारी जी, मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ। अगर मेरे लिए कोई फोन आए तो मुझे जगाना नहीं। ठीक है, फोन करने वाले का नाम और संदेशा ठीक तरह से लिख लेना। अच्छा छोटे मालिक। अरे बिहारी, मेरी किताबें कमरे में रख देना, मैं सोना चाहता हूं। इसलिए कम बोझो, कम बोझो, 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 बोझो। का इंतजार कर रहा था। कमान बोझो, चाहिए था। सुनैना, तुम्हें देखे बिना रहा नहीं गया, रहा नहीं गया। अपन चलने से कब तक छुपते फिरोगे? जब तक हम अपना मकसद नहीं पा लेते। नहीं सुनैना, नहीं आंसू, नहीं। तुम्हें हिम्मत और दलेरी से मुकाबला करना होगा इस वक्त का, हम यही कहने आए थे। बहुत थक गई हूँ। हिम्मत से काम लेना होगा तुम्हें, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा सुनैना। तुम यहां क्या कर रहे हो? बड़े मालिक चले गए ना? हाँ, तुम फिक्र मत करो, चलो मेरे साथ। ज्योति, 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 हमारी बेटी, हमारी बच्ची काली चरण, हमें अभी अभी इसी वक्त एक अटल काम से बाहर जाना है। देखो हमारी गैर हाजिर में कोई भी जाना या अनजाना हमें पूछता हूँ यहाँ आए तो उसे उसे हमारे मतलब कुछ नहीं बताना। नहीं बताऊंगा मालिक, कम से कम मुझे तो बता दीजिए आप जा कहाँ रहे हैं। अलेक्जेंडर को खत्म करने, अलेक्जेंडर को खत्म करने। मालिक, नहीं मालिक, आप इस वक्त वहां नहीं जाएंगे, इसमें जान का खतरा है। आप मेरी बात मानिए, मैं उसका काम तमाम करने का कोई आसान और पक्का तरीका ढूंढ निकालूगा। मेरी बात मानिए, इस वक्त तो आप आराम से सो जाइए। काली,
काली तुम नहीं समझोगे, हमारा रास्ता मत रोको। नहीं मालिक, हमें जाना है काली। नहीं मालिक, नहीं मालिक, नहीं मालिक, मत जाइए। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा काली। नहीं मालिक, काली हट जाओ, मेरी जान ले लीजिए, मैं आपको नहीं जाने दूंगा मालिक। नहीं, काली, मालिक मैं आपकी विनती करता हूँ, काली हमें जाना है, हमें जाने दो। मालिक, आज दौकर का मालिक को हुक्म है आप नहीं जाएंगे। काली हमें और हुक्म, हमें माफ करना काली। Shinde, go to the back stage and just check for the air ready. It should be absolutely perfect. Excuse him, bro? Yes. Proprietor? Oh, yes. Maxigon, Maxigon. Oh, welcome to my hotel, Mr. Maxiano. Come, come be seated. Excuse me. Could you connect you to the table, please? Thank you. Indian lady? Yeah. Beautiful. Yeah. I'll see you in a minute. Sorry, bro. योगेंद्र सिंह यहां मौजूद है, मैंने उसे पहचान लिया। मैं उसके बेटे इंस्पेक्टर राकेश को इत्तला करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि बेटा ही आकर बाप को गिरफ्तार करे, इससे एक बहुत अच्छा मौका हमारे हाथ लगेगा। बाप और बेटा दोनों का हम खत्म कर देंगे, पर लोगों पर जाहिर होगा कि इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को मार डाला है। जनाब आप सिर्फ हुक्म कीजिए, बाकी सब संभालना हमारा काम है। दैट्स गुड, कैरी ऑन।
ये बिजली बुझाने की चालाकी कालीचरण की थी। इसका मतलब जोगेंद्र सिंह कालीचरण के घर में छुपा हुआ है। इसी वक्त जाओ, दोनों को उठा लाओ। यस सर। बताओ कमिश्नर कहाँ है? मुन्ना जा अंदर और जाकर दरवाजा बंद कर ले। अच्छा बापू। मैंने जो अपराध का रास्ता छोड़ दिया था, तुम कुत्तों ने मुझे फिर से वही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। जाओ, जाकर कह दो अपने कमीने अलेक्जेंडर से कि आज से मैं वही पुराना कालीचरण बन गया हूं। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, मालकिन का है। तुम्हें माँ से क्या काम है? बोलते क्यों नहीं, क्या काम है? बड़े मालिक ने ये खत मालकिन के लिए दिया है। बड़े मालिक ने? हमारी सुनैना, हम ये खत तुम्हें कालीचरण की पट्टी से लिख रहे हैं। अलेक्जेंडर के आदमी ने उसे मार डाला,
मुन्ना को हम तुम्हारे पास भेज रहे हैं, उसकी परवरिश अपने बच्चों की तरह करना। अभी अभी हम अलेक्जेंडर के पीछे उसके ठिकाने पर जा रहे हैं, हमें अलेक्जेंडर को ढूंढ निकालना है। तुम जैसे निकम्मों को वहां भेजकर मैंने जिंदगी में पहली गलती की। छोटे शिकार को मारकर तुम लोगों ने बड़े शिकार को होशियार कर दिया है। न जाने आप वो कहां होगा। हम यहां हैं हरामजादे। कमिश्नर, तुम बहुत गलत जगह आ गए हो। यहां से बचकर निकलना बहुत मुश्किल है। गलत जगह? वो क्या है? बाप ने खून किया सिर्फ इसलिए कि तुम खूनी ना बनो। आज तक तुम्हें पता नहीं चलने दिया कि तुम्हारी बहन की इज्जत लूटी गई थी। क्या? हाँ बेटा, अगर तुम्हें पता चल जाता कि ये नीच हरकत किसने की है तो तुम पागल हो जाते, उसका खून कर देते। तुम मुजरिम ना बनो, इसलिए तुम्हारा बाप मुजरिम बन गया। ये हरकत करने वाला कौन है मां? बताओ मां। अलेक्जेंडर। चलो राकेश। बहुत गलत निशाना है कमिश्नर, फिर से कोशिश करो। Ha 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 ha
तुझसे कहा था कि तेरी शर्मनाक किताब का आखिरी पन्ना हम लिखेंगे। वक्त का दूसरा नाम ही तो इतिहास है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी, अपना आखिरी फर्ज अदा कर दिया सुनैना। अब तुम्हारे पास विजय राकेश जैसे दो बेटे हैं, तुम्हें हमारी कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। हमें हमेशा के लिए भूल जाना, हमें हमेशा के लिए।